उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी भी इस बार नगर निकाय चुनाव में पूरी तरह से दमखम करेगी। हमारे साथ यूपी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम जी, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, नगर निकाय के चुनाव का कल आरक्षण जो है नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का, नगर पंचायतों के अध्यक्षों का घोषित हुआ है अनंतिम। अब वो अंतिम में आपत्ति मांगे हैं, 14 तारीख तक का मौका दिया है, लोग आपत्तियां देंगे। आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद जब चुनाव डिक्लेयर होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। सभी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो भाजपा भी कह रही है कि वो भी वहां वहां प्रत्याशी उतारेगी जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो चूंकि सुभाषपा आपकी पूर्व सहयोगी रह गई है, तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रत्याशी खासतौर से पूर्वांचल में सुभाषपा का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, व्यक्ति को अधिकार है, फिर तो पार्टियों का अधिकार है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक सवाल और भी है, चूंकि देखिए शिपाल जी को लेकर भी कल अखिलेश जी ने बोला कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और बस काउंटिंग का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि काउंटिंग में ईवीएम को लेकर भी उन्होंने कई तरह से, तो क्या कुछ शिपाल जी को लेकर जो पार्टी में तैयारी की जा रही है, क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा या जो फैसला करेगा वो हम लोग सदैव स्वीकार करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी ने यह भी कहा कि ईवीएम की जो है देखना कि कहां कहां पे ईवीएम जा रही है, सारे कार्यकर्ताओं से कल अपील भी की, ट्वीट भी किया है। ये तो हमने देखा है कि आपके मीडिया के भाइयों ने दिखाया है कि ईवीएम 7 बजे पहुंची और 7:15 बजे खराब हो गई। 2-2 घंटे तक लोग लाइन में खड़े रहे, बहुत लोग वोट नहीं डाल पाए, वोट से वंचित रह गए। और ईवीएम पर तो लगातार जनता भी सवाल उठा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ियां की जाती है, जानबूझ के गड़बड़ियां की जाती है। सदन में भी जो है जमकर हंगामा हुआ, इसको लेकर समाजवादी पार्टी बात करना चाह रही थी। निश्चित रूप से जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव का तरीका है, आज लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लग रहा है। पक्ष और विपक्ष होता है, जनता को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको मतदान करने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने से भी वंचित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कह सकते हैं कि लगातार जो है जिस तरह से उपचुनाव को लेकर जो मतदान हुआ उसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है सवाल खड़ा करती रही, और इस बीच चूंकि समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में भी चुनावी मैदान में उतरेगी और इसीलिए इस बार सुभाषपा ने भी अपनी ताल ठोकी है, जिस पर सपा कह रहा है कि वो चुनाव बिल्कुल लड़े, बेशक लड़े। चेयरमैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।